evening to all of you, my dear friends. Welcome to Fava Mathematics Center. प्यारे बच्चों, आज YouTube पर मेरा ये ऐड है और फिर आपको इनवाइट है कि पार्ट थर्ड के जो भी बच्चे हों, BSc पार्ट थर्ड यूनिवर्सिटी TMBU या मुंगेर या ऑल अवर अदर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सारे जुड़ सकते हो, और बिहार ही नहीं इंडिया लेवल पे भी अगर कोई बच्चे जिनका सिलेबस मेरे से टेली करता तो वो इस कोर्स में जुड़ सकते हो। तो मैं अब पार्ट थर्ड के लिए एक न्यू बैच ला रहा हूँ, पार्ट थर्ड, BSc पार्ट थर्ड। BSc थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड ईयर का मेरा डेली ऑनलाइन लाइव क्लास 10 to 11:30 PM ये शुरू हुआ है, रेगुलर चल रहा है, और इसमें आपको चारों पेपर पढ़ाया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आप ऑनलाइन मोड में भी आप मेरे से पढ़ सकते हो। और अभी मैंने जो ग्रुप 5 पेपर 5 का और ग्रुप सी स्टार्ट किया, बस एक या दो लेक्चर हुआ, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से ऑनलाइन क्लास में। ये जो हम फिलहाल जो फोकस है मेरा, मेन रूप से फोकस जो है वो है TMBU और मुंगेर यूनिवर्सिटी, साथ साथ पूर्णिया यूनिवर्सिटी, BNMU और LNMU, इतनी यूनिवर्सिटी मेरे हैंड में मेन रूप से है। इतनी यूनिवर्सिटी के बच्चे अभी हमें से जुड़े हुए हैं, तो इन पर मेन फोकस रहेगा। यहाँ के सिलेबस को मैं कवर करने का प्रयास करूँगा, आपका जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसका कराएंगे। तो पार्ट थर्ड के बैच के लिए आप ऑनलाइन आइए और डेली लाइव क्लास मेरे ऐप पे 9:30 to 10 to 11:30 PM में आप करें। जो फिलहाल सिलेबस की बात कर रहे थे, है हमारे पास जो सिलेबस है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो मेरे पास है, ये पार्ट थर्ड के जो पेपर होते हैं ना, सिलेबस पार्ट थर्ड के जो सिलेबस है हमारे पास, वो 4 पेपर ऑनर्स आपको पढ़ना है। ये ऑनर्स के 4 पेपर होते हैं, ऑनर्स पेपर यहाँ हमारे पास 4 है, जिसका नाम है फिफ्थ पेपर, सिक्स्थ पेपर, सेवन्थ पेपर और फिर है एट पेपर। तो देयर आर 4 पेपर्स इन पार्ट थर्ड क्लास, ऑनर्स का यहाँ 4 पेपर है आपके पार्ट थर्ड क्लास में। 1 पेपर इज ऑल्सो जीएस पेपर। तो ओवरऑल एग्जाम जो होता है 400 ऑनर्स पेपर का, 400 मार्क्स का ऑनर्स है आपका, ईच पेपर हैविंग 100 मार्क्स, और 100 का जीएस है, 100 मार्क्स का जीएस है। तो ओवरऑल टोटल जो भी आप ऐड करो तो टोटल 500 मार्क्स का आपका पार्ट थर्ड का एग्जाम है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, खास करके ऑनर्स पेपर देखा जाए तो। क्योंकि पार्ट 1 में हमने 2 पेपर पढ़ा था, पार्ट 2 मेरे पास 2 पेपर पढ़ा था, और पार्ट थर्ड 4 पेपर है। अगर क्लास के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 में थोड़ा सा मार्क्स कम भी हो तो पार्ट थर्ड में आपको इसको भरपाई कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। तो जो अभी सेशन 21-22 है, सब जगह सेशन लेट चल रहा है, उम्मीद है कि दिसंबर, कहीं फरवरी, कभी मार्च, कहीं आगे जून तक एग्जाम होने की संभावना है 21-22 सेशन का पार्ट थर्ड का। तो ओवरऑल जो ये जितने यूनिवर्सिटी का मैंने नाम किया, इसका एग्जाम मार्च से पहले होने की कोई संभावना नहीं है। तो मार्च अप्रैल तक में आपकी चारों पेपर को मैं खत्म करूंगा। मेरा क्लास रेगुलर जो है, जो टाइम मैंने फिक्स किया, इसी टाइम में होगा, क्योंकि ये सबसे ऑफ टाइम है। इस टाइम में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो बच्चे कोई काम भी कर रहे, कोई पढ़ा लिखा भी रहा है, तो भी उसके पास समय बच जाएगा और इस टाइम में आराम से क्लास ले सकता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास भी आपको मिलेगा,
जो कि YouTube पे हम बराबर देते रहेंगे। सैटरडे संडे को YouTube पर सेशन होगा पार्ट थर्ड का, कुछ ना कुछ टॉपिक लेके कुछ ना कुछ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम कराएंगे। और बाकी मेरा क्लास ऐप पर होता है जो भावा मैथमेटिक्स सेंटर का ऐप है, आप मोबाइल के प्ले स्टोर में भावा मैथमेटिक्स सेंटर डालें और वो मेरा लोगो दिखाएगा, हम ऐप अभी ऐड आपको दिखाएंगे तो वो लोगो दिखेगा, आप ऐप डाउनलोड करके और मैसेज करें अपना नाम और क्लास पार्ट थर्ड के लिए कि सर हम क्लास पार्ट थर्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन बैच में, तो फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा। 10 या 15 दिन 8 दिन आप डेमो देख सकते हो, उसके बाद आप अपना जो भी फी होगा वो बताया जाएगा, अब फिर आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये मेरा पेपर चारों का था। अब रहा कि फिफ्थ पेपर का क्या सिलेबस है सर, जो फिफ्थ पेपर है उसके सिलेबस में क्या सब है। तो फिफ्थ पेपर में 3 ग्रुप होता है, फिफ्थ पेपर में ग्रुप 3 है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रुप जो है आपका वो है रियल एनालिसिस, सेकेंड ग्रुप है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और थर्ड ग्रुप है रियल से ही बना है मैट्रिक स्पेस, जो अभी अभी हम स्टार्ट किए हैं मैट्रिक स्पेस, ये 3 ग्रुप में डिवाइड है। सिलेबस में इससे 5 क्वेश्चन का सिलेबस में दिया हुआ है। पीएमयू एमयू की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स से 3 क्वेश्चंस है और मैट्रिक स्पेस से भी 3 क्वेश्चंस है। ये दोनों बाकी यूनिवर्सिटी में चलती है, कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स नहीं चलता। यूँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मधेपुरा यूनिवर्सिटी और LNMU में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है, बाकी रियल और ये दोनों वहाँ भी अवेलेबल है। रियल को ही वहाँ 2 पार्ट में बांट दिया है। तो ये 5th पेपर का सिलेबस है। 6th पेपर में जब हम लोग चलेंगे, और इसका रेफरेंस बुक आपको चाहिए तो जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम रेफरेंस बुक दिखाएंगे। तो 6th पेपर में हम लोग अगर चलते हैं, 6th पेपर में ये भी 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड है 6th पेपर, जिसके अंदर आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी है। फिर ग्रुप ए आपके पास है ग्रुप थ्योरी, ग्रुप बी आप इसको बोल सकते हो रिंग थ्योरी और ग्रुप सी को फील्ड थ्योरी बोला जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ इसको वेक्टर स्पेस करके पढ़ते हैं, ऐसे फील्ड थ्योरी भी बोल सकते हो, वेक्टर स्पेस बोलो, लीनियर अलजेब्रा बोलो वो भी चलेगा, लीनियर अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, लीनियर अलजेब्रा भी बोल सकते हो जो नेट गेट के सिलेबस में काम देता है आपको, और इसी को फील्ड थ्योरी भी बोल सकते हो, आगे जाके फील्ड में ये काम देगा, फील्ड थ्योरी का भी पार्ट इसमें अटैच है, तो फील्ड थ्योरी में भी हम आ सकते हैं, 3 नाम से इसको हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ सिलेबस जो है ग्रुप से मेरे पास 5 क्वेश्चन है सिलेबस में, रिंग 3 क्वेश्चन है और वेक्टर स्पेस से भी आपका 3 क्वेश्चन है, वही क्रम चल रहा है जो आपको देखा गया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7th पेपर में, 7th पेपर में भी आपका 3 ग्रुप है, 7th पेपर में भी आपके पास 3 ग्रुप है। ग्रुप ए में है आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्रुप बी में आपके पास है ऑपरेशन रिसर्च बोल सकते हैं या LPP बोलिए या इसी को ऑपरेशन रिसर्च बोला जाता है, ऑपरेशन रिसर्च। ग्रुप सी में आपके पास है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इस तरह से आपका ये जो है 3 क्वेश्चन का यहाँ भी है, इससे 5 क्वेश्चन है, इससे 3 क्वेश्चंस है और इससे भी यहाँ 3 क्वेश्चंस है। लास्ट पेपर मेरे पास आ रहा 8th पेपर, इसमें केवल 2 ही ग्रुप है यहाँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप बी ए जो है आपका वो है मैकेनिक्स और ग्रुप बी है आपके पास हाइड्रोस्टेटिक्स। इससे यहाँ सिलेबस में 6 क्वेश्चन है और इससे फिर 5 क्वेश्चन है। यहाँ कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 फ्रॉम इच ग्रुप,
दो दो करके पांच क्वेश्चन करना। रूल वही है कि सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम इच ग्रुप, आंसर एनी फाइव क्वेश्चन, बट इन पेपर एट सिलेक्टिंग एटलीस्ट टू इन इच ग्रुप, आंसर एनी फाइव क्वेश्चन। तो ये आपका रूल है जिस अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। तो ये था मेरा ग्रुप का जो फॉर्मेशन मैंने बताया आपको। और अभी मेरा ऑनलाइन में मैट्रिक्स स्पेस स्टार्ट हुआ, मात्र दो लेक्चर हुआ है और आज से कंटिन्यूड फिर वो रेगुलर लेक्चर है मेरा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग मेरे से पढ़ना चाहते हो, जिसको अच्छा लगता है मेरी पढ़ाई, तो ऑनलाइन आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी क्लास चल रही है, ऑफलाइन भी आप जिसको इच्छा हो ऑफलाइन पढ़ने का तो ऑफलाइन में भी आके पढ़ सकते हो, और जिसको इच्छा है कि नहीं ऑनलाइन पढ़ेंगे तो 10 से 11:30 के बीच में आप ऑनलाइन मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो रहा ऐड की बात, इसका सिलेबस का पूरा डिटेल तो वो मैं ऐड आपको जो है दिखा देता हूँ, वो आपको ऐड अटैच कर देते हैं हम लोग सिलेबस से रिलेटेड जो है। ये है मेरे पास बीएमसी भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर एंड मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए जो सिलेबस मेरा है। बीएससी पार्ट सेट स्टार्ट 15 अगस्त की जगह पर ये अब ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, 15 अगस्त को नहीं स्टार्ट हो सका था। तो इसमें आप 15 अगस्त की जगह पर आप ये आपका क्लास हाल फिलहाल में दो लेक्चर हुआ है बाद, तो आज आपको 17 मान सकते, तो आज ही से मान के चलो 17 सितंबर का आपका क्लास स्टार्ट हुआ जो कि 15 अगस्त को करने वाले थे। बाकी सब चीजें वीकेंड क्लास इज ऑन यूट्यूब चैनल, ये बिल्कुल दिस कोर्स इज स्पेशली डिजाइन फॉर टीएमयू भागलपुर मुंगेर यूनिवर्सिटी आल्सो, यस ये मेरा ऐड है आपको। ये आपको मेरा ऐड है, आप यही भाभा मैथमेटिक्स सेंटर को आप लोग अपलोड करेंगे। ये होमी जहांगीर भाभा थे जो कि जिसके नाम से मैंने अपना इंस्टीट्यूट चला रखा है, तो इन्हीं के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट चलता है। ये मैं हूँ जो कि जिस जो आपको बताया कि यूट्यूब और ऐप दोनों पे पढ़ सकते हो आप। ये ऐड है मेरा, दिस कोर्स सिलेबस इज डिवाइडेड, जो कोर्स का सिलेबस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आपका सिलेबस है जो अभी हम बता रहे थे कि ग्रुप एट में रियल एनालिसिस में कौन कौन चीज पढ़ना, रीमान इंटीग्रल, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रीमान इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, दूसरा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस, उसी में टेस्ट है, कंपेरिजन टेस्ट है, एबल टेस्ट है, डिसलेस टेस्ट है, उसके बाद तीसरा सीरीज ऑफ आर्बिट्री टर्म्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीरीज, चौथा है पार्शियल डेरिवेटिव यंग और स्वार्थ थ्योरम जो कि हम ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं, और पांचवा है फूरियर सीरीज और उसका एक्सपेंशन जो कि हम ऑफलाइन पढ़ाए हुए बहुत एक बैच में, कॉम्प्लेक्स का ये ऑफलाइन अभी चल रहा है मेरा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड ऑर्डर पेयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाला ये स्टार्ट होने वाला है, तो कॉम्प्लेक्स का अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्यूजडे से ये न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स में भी, आप ऑफलाइन भी जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इसका कॉन्फॉर्मल मैपिंग है। नेक्स्ट आप आ जाओ, यही मैट्रिक स्पेस अभी हम शुरू किए हैं, डेफिनेशन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक इज फर्स्ट टॉपिक में ये टफ पड़ता है और स्टार्टिंग में भी अभी है, तो अभी आप ऑनलाइन में भी जुड़ के मेरे से फायदा उठा सकते हो। ऑनलाइन में भी आपको जो ईच एंड एवरेज पेपर हैविंग
5 to 6 to 7 क्वेश्चंस आंसरिंग, तो तुमको जो है 5 से 6 5 से 7 क्वेश्चन के बीच ऑनलाइन में भी आपका कवर करा दिया जाएगा, जिससे कि आपका ग्रुप ऑनलाइन बैलेंस ना हो। तो ये ऑनलाइन का सिलेबस है मैट्रिक स्पेस में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ग्रुप थ्योरी में ये सब पढ़ना है, सेंटर है, नॉर्मलाइजर है, कंजुगेसी रिलेशन है, क्लास इक्वेशन है, सॉल्वेबल ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप, कोशिश थ्योरम, साइलोफस थ्योरम, पी साइलोस थ्योरम जो कि नेट गेट के सिलेबस में भी है, रिंग थ्योरी है, उसके बाद रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है, क्यूसेंट रूट, आइडियल मॉड्यूल्स पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा जो कि मैंने आपको बताया, वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा या फील्ड थ्योरी, ये तीनों एक ही जिससे मिला जुला चीज है, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, ये सब चीज पढ़ना है। ग्रुप पेपर 6 की बात कर रहे थे, ये 9:15 है, तो ये टाइम भी थोड़ा सा सही हुआ है, 10 बजे से हुआ है, टाइमिंग भी आपका चेंज हुआ है, ये लाइव क्लास का जो टाइमिंग है ये आपका चेंजिंग हुआ है। ये 9:15 की जगह आप 10 ले लें, 10 to 10 PM to 11:30 PM आपका लाइव क्लास शुरू चलेगा रात, बाद में ठंडा ज्यादा आएगा तो फिर उसको हम रिड्यूस करेंगे, लेकिन फिलहाल यही है आपका टाइमिंग। ये आपका 7th पेपर का सिलेबस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो बोले ग्रुप बी, अच्छा ग्रुप बी में प्रोबेबिलिटी थ्योरी था, ग्रुप सी आपका जो था ऑपरेशन रिसर्च था, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, उसमें मिस्टेक हो गया मेरे से। ये आप ऐप है, यही मेरा ऐप का लोगो, आप ऐप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास में जुड़ सकते हो, यूट्यूब का सेशन है आपका, और फिर थैंक यू, यही लोगो आपको मिलेगा, आप चाहे तो बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ भी है 10 PM to 11 PM, तो 11 की जगह 11:30 PM हो गया है, आप बच्चों चाहे तो पार्ट 3 में मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं एक विश्वास के साथ, और एक सप्ताह या 10 दिन आप लाइव क्लास पढ़कर देख सकते हैं कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आपको फायदा हो रहा तो आप एडमिशन ले सकते हो, अगर नहीं फायदा हो रहा तो फिर आप फ्री हो कहीं भी पढ़ने के लिए। और ईच एंड एवरी सैटरडे और संडे हम यूट्यूब पे पार्ट 3 का कोई ना कोई चैप्टर लेके क्लास लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेके आएंगे, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लेके आएंगे, तो ये इस वादे के साथ मैं कल फिर मिलूंगा एक नया टॉपिक के साथ आपको पार्ट 3 के लिए, और कल शाम में इवनिंग में हमारा यूट्यूब सेशन भी होगा, तो कल उसमें हम लोग पार्ट 3 का कोई एक टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे, जो अभी मैट्रिक स्पेस हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसी का एक टॉपिक स्टार्टिंग हम यूट्यूब पे डालेंगे, तो वो आप जरूर देखें, जो लोग मान लो अगर मेरे से लाइव क्लास नहीं भी ले पाते हो या बैच में एनरोल नहीं भी हो सकते हो, तो वो भी देख सकते हो। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।